हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम वाटिका सिन्हा, वेलकम टू वाटिका इंग्लिश क्लासेस। आज मैं बात करूंगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के ऊपर। मेरे प्रीवियस वीडियोस रहे हैं प्रोनाउन के लिए, मैंने केस टेबल पे भी बात कही थी। मेरे जो भी वीडियोस आ रहे हैं प्रोनाउन के लिए बेसिकली आ रहे हैं, उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट क्वेश्चन भी डाला था कि किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आइए आज स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन रूल्स के लिए। रूल्स बेसिकली इसलिए ज़रूरी है कि आप कभी भी कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते हैं तो आपके माइंड में एक बार ज़रूर आना चाहिए कि किस टॉपिक से बिलोंग करता है। अगर टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो रूल्स अगर समझ नहीं आएंगे तो आप उसे समझ नहीं पाइएगा, थ्रू आउट आपको कुछ पता नहीं चलेगा। एग्ज़ाम में कई बार पूछने को आता है कि कौन सा प्रोनाउन है, इन सब के लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आइए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए बात करते हैं। रूल फर्स्ट, इन एनी सेंटेंस ईच इज़ यूज फॉर टू और मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। अगर कोई सेंटेंस में ईच आता है, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। अगर प्रत्येक की बात हम लोग करते हैं तो वो दो चीज़ों के लिए, दो पर्सन के लिए या मोर देन टू के लिए भी यूज़ होता है। देखते हैं किस तरह से यूज़ होता है, दो से ज़्यादा के लिए कैसे यूज़ होता है। ईच ऑफ द टू बॉयज़ इज लेबोरियस, ईच ऑफ द थ्री बॉयज़ इज लेबोरियस। इन दो लड़कों में से, दोनों लड़के जो हैं उनमें से प्रत्येक एक लड़का जो है वो लेबोरियस है। लेबोरियस का मतलब हुआ बहुत मेहनती है, जिसका मैंने बताया था हार्ड वर्किंग या फिर इंडस्ट्रियस साइनोनिम्स है। नेक्स्ट है ईच ऑफ द थ्री बॉयज इज लेबोरियस, इनमें से प्रत्येक लड़के जो हैं वो मेहनती हैं। तो ईच ऑफ द टू बॉयज या ईच ऑफ द थ्री बॉयज, टू के लिए भी यूज़ हुआ, मोर देन टू के लिए भी यूज़ हुआ। तो ईच का यूज़ कैसे होता है आप लोगों को पता चला, और दोनों के साथ ईच इज लगा है, आर नहीं लगा। ध्यान देंगे, बॉयज़ होने के बाद भी इज लगा है, आर नहीं लगा है। इसका रीज़न यह है कि जब हम प्रत्येक की बात करें, एक एक की बात करें, तो वहाँ पर आर नहीं लगता, इज लगता है। नेक्स्ट रूल, इन एनी सेंटेंस आइदर इज यूज फॉर वन इन एनी टू। अगर हम किसी सेंटेंस में आइदर का यूज़ करते हैं, इस इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ये सब जो चीज़ें आइदर, नाइदर, ईच, एनी वन, एनी, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन सब चीज़ों को आप जब पढ़ते हैं, ईच ऑफ, तो ये सब बेसिकली आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के ये सब प्रकार में आते हैं। आइदर ऑफ दिस टू कार्स इज एक्सपेंसिव, आइदर ऑफ दिस टू प्लांट्स इज ब्यूटीफुल। आइदर का मतलब होता है अगर हम दो चीज़ों के बीच एक चीज़ को कंपेयर करते हैं या चुनते हैं, एक चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पर आइदर का यूज़ होता है। आइदर ऑफ दिस टू कार्स इज एक्सपेंसिव, आइदर ऑफ दिस टू प्लांट्स इज ब्यूटीफुल। इन दोनों कार में से एक कार जो है वो एक्सपेंसिव यानी महंगा है, इन दोनों प्लांट्स में से एक प्लांट जो है वो खूबसूरत है। तो अगर हम बात करें तो दोनों में, लेकिन दोनों में से किसी एक को चुनते हैं, इसीलिए यहाँ भी इज का यूज़ हुआ है, यहाँ भी इज का यूज़ हुआ है, मतलब हम लोग इसे प्लूरल के तौर पर कंसिडर नहीं करते हैं। थर्ड रूल, इन एनी सेंटेंस एनी वन और एनी इज़ यूज व्हेन वी टॉक अबाउट सेलेक्शन अमॉन्ग मोर देन टू। अगर कोई सेंटेंस में हम एनी वन या एनी की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेंटेंस में हम एनी वन या एनी की बात करते हैं, इट मीन्स कि हम लोग दो से अधिक चीज़ों के बीच कंपेयर करते हैं या फिर सेलेक्शन करते हैं। जब दो चीज़ों के बीच सेलेक्शन करना था तब मैंने आइदर बताया, बट दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच सेलेक्शन करना हो तो वहाँ पे आइदर यूज़ नहीं होगा, एनी वन या एनी यूज़ होगा। फॉर इंस्टेंस देखते हैं, सी हैज़ परचेस्ड एनी वन या एनी ऑफ द थ्री बुक्स, उसने तीन बुक में से कोई एक बुक परचेस किया, कोई एक रैंडम बुक सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर एनी वन यूज़ होगा या एनी होगा। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने इसे हाईलाइट किया, आप इसे ज़रूर देखिए। He has selected anyone or any of these seven shoes. उसने सात जूते में से कोई एक जूता पसंद किया, एक शूज पसंद किया, तो he has selected any या एनी वन, आइदर नहीं लिखेंगे, आइदर दो के लिए, मोर देन टू के लिए एनी या एनी वन का सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट रूल, इन एनी सेंटेंस नाइदर इज यूज टू सो नो बिटवीन द टू। जब हम लोग किसी चीज़ में नाइदर का यूज़ करते हैं, नाइदर का मतलब होता है किसी दो चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, दोनों में से दोनों नहीं हो रहा है, मतलब दो चीज़ों की बात करें, दोनों में से दोनों को हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं, तब हम लोग नाइदर का यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस, नाइदर ऑफ़ द टू स्टूडेंट्स इज राइटिंग, नाइदर ऑफ़ द टू गेस्ट हैज अराइव्ड येट। दोनों स्टूडेंट्स में से कोई भी लिख नहीं रहा है, दोनों स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, दोनों स्टूडेंट में से कोई लिख नहीं रहा है क्लास में, तो नाइदर यहाँ पर यूज़ हुआ दोनों में से किसी को बताने के लिए, दोनों को बताने के लिए।
Neither of the two guests has arrived. दोनों में से कोई जो गेस्ट हैं अभी तक यहाँ आए नहीं है, तो यहाँ भी neither का यूज़ इस तरह से यूज़ हुआ। और ध्यान देंगे यहाँ भी सिंगुलर गया है, इज आया है और हैज़ आया है। नेक्स्ट रूल, इन एनी सेंटेंस नन इज़ यूज टू शो नो फॉर मोर देन टू persons. अभी मैंने बताया neither दो के लिए, अब दो से ज़्यादा की भी तो बात हो सकती है, तब उसके लिए नन यूज़ करेंगे। नन ऑफ द 10 स्टूडेंट्स इज सीरियस अबाउट स्टडीज, नन ऑफ द 12 मैन हैज स्टार्टेड हिज जॉब येट। ध्यान देंगे 10 में से कोई भी जो बच्चा है वो अपने पढ़ाई के प्रति सचेत नहीं है, सीरियस नहीं है, तो यहाँ पर नन यूज़ हुआ। नन ऑफ द 12 मैन, 12 में से कोई जो मेन है वहाँ पर अपने जॉब को स्टार्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर नन का यूज़ होगा, नाइदर का यूज़ नहीं करिएगा, नन होगा मोर देन टू के लिए। नेक्स्ट रूल एंड लास्ट फॉर दिस वीडियो, इन एनी सेंटेंस ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ टेक्स प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन आफ्टर देम। अब ध्यान देंगे कि कोई भी सेंटेंस में ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ जब हम लोग लेते हैं तो उसके बाद जो आने वाला नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ध्यान देंगे ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा प्लूरल में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉयज ईच ऑफ द स्टूडेंट्स has a book. Either of the girls is good at dancing. Neither of us can do this work. आपको लगेगा कि यहाँ has यूज़ हुआ, has तो सिंगुलर है, is भी सिंगुलर है और बेसिकली can तो मॉडल वर्ब है, तो उसकी तो बात नहीं, लेकिन मैंने इसकी बात नहीं कही। यहाँ पे जो students यूज़ हुआ है ये क्या है, ये एक noun है, तो each of के साथ आने वाला जो noun होता है वो बेसिकली प्लूरल होता है, आइदर ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन होता है वो प्लूरल होता है, इसलिए गर्ल्स के साथ। नाइदर ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होता है, तो यहाँ पर अस प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है और ये प्लूरल काम कर रहा है, तो ध्यान देंगे ईच ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा ये प्लूरल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसे ज़रूर नोट डाउन करिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आई बात समझ में? अगर कोई प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का वीडियो बस यहीं तक था, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे, आप इसे नोट डाउन करिए, समझने की कोशिश करिए, एक कॉपी बना लीजिए जिसमें आप फ्लो में सब चीज़ों को लिख सकेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर हेल्पफुल रहा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि मेरी अपडेटेड वीडियोज़ टाइमली आप तक पहुँच सकें। मैं मिलती हूँ इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।